हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। बैक वीडियो में अपन ने बात की थी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन 8 से बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है एक स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। कहता है कि एक स्टैचू है वो कि क्या है 1.6 मीटर का है। तो ये मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास एक स्टैचू हो गया, ठीक है, कितना हो गया 1.6 मीटर का एक स्टैचू हो गया। उसके बाद क्या कहता है, स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ ए पेंस्टल। तो कहता है ये मैंने मान लिया कि कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये पेंस्टल के टॉप पे खड़ा हुआ है। ये मेरे पास पेंस्टल हो गया ए से बी, और ये जो मेरे पास स्टैचू है वो क्या हो गया बी से सी। कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई ये पॉइंट अपन ने डी क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 30 डिग्री। अब देखो स्टैचू का टॉप ये है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा जब ये इसको ऐसे देखेगा, ठीक है, और ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए, तो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और दूसरे केस में क्या कहता है, दूसरे केस में कह रहा है ये एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेंस्टल, पेंस्टल का टॉप ये रहा, तो जब ये यहाँ से देख रहे हैं ना तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेंस्टल। आपसे इसने पूछ ली कि जो आपका पेंस्टल है उसकी हाइट क्या होगी। तो देखो अपने पास क्या क्या है, ए से बी, तो क्या है ए से बी, ये तो है मेरे पास ए से बी है, क्या थी मेरे पास हाइट ऑफ किसकी पेंस्टल, पेंस्टल की हाइट है, ठीक है। और बी से सी क्या थी, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू। और ये मेरे पास जो एंगल है ए डी बी ये कितना है 45 डिग्री, और जो मेरे पास एंगल है ए डी सी ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली हाइट चाहिए कि ये वाली हाइट क्या होगी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैंने इतनी हाइट का नाम एच मीटर रख लिया, तो ये मेरे पास हाइट कितनी हो गई एच मीटर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने ये मेरे पास एच मीटर हो गई, तो मैं क्या करता हूँ इतनी इतनी ट्रायंगल को अपन क्या करेंगे ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं चला गया इतनी वाली ट्रायंगल के अंदर, तो मैं गया इन ट्रायंगल, इसका नाम है ए डी बी। मैंने क्या किया, ए बी को ऊपर रखा, ए डी नीचे। ए बी देखो किसका काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ये काम कर रहा है बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, ठीक है। और एंगल कितना आपके पास 45 डिग्री, हो गए ये हो गया आपके पास 10 45, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक क्या है वो मेरे पास H, ये तो थी मेरे पास H, AD में फाइंड आउट करवा रहा था। और 10 45 कितना होता है 1, तो H की वैल्यू कितनी आ गई AD, मतलब AD भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये भी मेरे पास आ गया कितना 1। अब देखो अगर ये भी मेरे पास 1 आया है तो इसका मतलब अब मैं इतनी इतनी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ कौन सी वाली ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी सी। अब मैं चलता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में अपन क्या ले लेते हैं ए सी अपॉन ए डी। अब वही परपेंडिकुलर बेस क्या बन गया 10, और एंगल कितना गिवन था 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, इसका मतलब AC को मैं क्या लिख सकता था उस फिगर में, उस फिगर में AC का नाम है AB+BC, और ये तुमने H निकाला है, और tan 60 कितना होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB+BC इसकी वैल्यू √3 × H आ गई, ठीक है। इसके अंदर AB अपने पास H था, ये था 1.6 √3 × H, प्लस का H इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया। अब सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, 1.6 √3 H - H, 1.6 √3 मैंने ले लिया, सॉरी इन दोनों में मैंने क्या ले लिया H कॉमन ले लिया, तो ये बच गया √3 - 1। और ये देखो मेरी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो √3 - 1 H आ गया मेरे पास, और मैं 3 - 1 ये मेरे पास H की वैल्यू आ गई थी। इसको मैं और सोल्व आउट करूँ तो रेशलाइजेशन करवा सकता हूँ, रेशलाइजेशन करवाऊँगा तो √3 - 1 है, तो प्लस वाले 1 से डिवाइड और उसी से ही डिवाइड = H। और सोल्व करेंगे 1.6 √3 - 1, देखो ये क्या हो गया A+B और A-B की प्रॉपर्टी लगेगी, तो A²-B², और ये हो गया मेरे पास H। और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.6 √3 क्या है अपने पास
प्लस एच अपोन 3 माइनस 1 और ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 1.6 रूट 3 प्लस 1 प्लस अपोन में 2, और इसको सोल्व आउट करूँगा तो इससे कैंसिल 0.8 रूट 3 प्लस 1 अपोन में 2 अपोन में, ठीक है, मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.8 रूट 3 प्लस का 1, जो कि मेरे पास आंसर हो गया क्या पूछा था इसने हाइट ऑफ पेंस्टल के बारे में। चलते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कह रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहता है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग और एक है मेरे पास टावर, तो मैंने ए से बी तो क्या मान लिया कि ए से बी तो क्या है मेरे पास बिल्डिंग है जो कि कितनी है 50 मीटर, ठीक है, और सी से डी मैंने क्या मान लिया, ये मेरे पास टावर है सी से डी जिसकी हाइट है एच मीटर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया अपने पास, ए बी तो हो गई हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि है 50 मीटर, और जो मेरे पास क्या है सी से डी वो क्या है हाइट ऑफ देखो दो चीज़ें हो गई मेरे पास, क्या क्या आया ए बी तो अपने पास आ गई हाइट किसकी टावर की, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और सी से डी क्या आ गई अपने पास हाइट बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर। देखो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, और टावर का फुट ये रहा, इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मतलब यहाँ से देखने पर जो अपना ये एंगल बनेगा कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का दिया हुआ है इसने 30 डिग्री का। और दूसरे केस में क्या कहता है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप ये रहा बिल्डिंग का फुट ये रहा, और जब वो इसको देख रहा है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो आपका एंगल बनता है 60 डिग्री का, कितने का है ये 60 डिग्री का। तो आपसे क्या पूछ ली, उसने आपसे पूछी हाइट बताओ बिल्डिंग की। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन इतनी इतनी ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इस वाली ट्रायंगल में मेरे को क्या पता है कि ए बी पता है, मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है, अपन चले गए इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर गया ए बी अपॉन ए सी। देखो ए बी किसका काम कर रही है परपेंडिकुलर को, और ये बेस का क्या होता है टेन, ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ए बी का मेरे को पता है कि ये 50 है, ए सी अपने को मालूम नहीं, और ये होता है रूट 3, और सोल्व आउट करेंगे आया अपने पास आया था 50 अपॉन ए से सी इज इक्वल टू रूट 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए सी आएगा, ठीक है, और मेरे को ए सी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया 50 अपॉन रूट 3, जो कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मेरी आ गई है। अब देखो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी वाली ट्रायंगल को ले सकता हूँ, छोटी वाली का नाम है ए सी डी, तो इस बार चलते हैं अपन इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि मैं निकाल रहा हूँ सी डी, अपोन में है गिवन ए सी। अब देखो फिगर में जब आप देखोगे तो सी डी किसका काम कर रहा था परपेंडिकुलर का, और ये बेस का, परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या होता है टेन, लेकिन एंगल कितना था इस बार 30 डिग्री। सोल्व करेंगे सी डी अपने को मालूम नहीं, ठीक है, ए सी मालूम है उसका बाद में यूज कर लेते हैं। ये ए सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1/√3, क्लियर है इतना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ रूट 3 सी डी इज इक्वल टू ए सी, और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए सी डी की, गिवन किसकी है मेरे को ए सी की, तो ए सी की जगह मैंने लगाया 50√3। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा
तो ये यहाँ पे जाएगा रूट थ्री ओनली थ्री सी डी, और इसको और आपने सोल्व किया क्या हो गया ये थ्री सी डी इज इक्वल टू 50, और सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो 50 अपॉन 3 मीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बाकी इतना छोड़ने पर अपने ये फाइनल आंसर हो गए।